Yes. आज हम कवर करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट। ये कैसे करते हैं वो समझिएगा। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक सिंगल फॉर्मूले से बताऊंगा, बट कंसेप्ट के साथ, क्योंकि वो सिंगल फॉर्मूला आपको पता होता है पर कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना है, उसका कंसेप्ट क्या है, क्योंकि ये पूरा मल्टीनोमियल थ्योरम पे बेस्ड कंसेप्ट होता है। और इसका कंसेप्ट ये होता है, जैसे मान लो इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, पहले क्वेश्चन बताऊंगा, आप देख के समझ जाएंगे। जैसे x+y+z = 6, x+y+z = 10, x+y+z = 12, x+y+3z = 30, x+y+z+2u = 20, ऐसे कोई भी क्वेश्चन, और आपसे बोलेंगे फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब इंटीग्रल सॉल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, इसलिए मैंने टाइप 1 और टाइप 2 लिखा है। टाइप 1 में होता है नॉन निगेटिव, और टाइप 2 में होता है पॉजिटिव इंटीग्रल। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यह है कि जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल की बात करूं, तो यहां x की वैल्यू 0 से 6 तक कोई भी इंटीजर हो सकती है, y की वैल्यू भी 0 से 6 तक कोई भी इंटीजर हो सकती है। इस तरह के कंसेप्ट आप अगर एक बार पढ़ लेंगे, तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि आपके पास कुछ फ्रूट्स हैं अलग अलग, 5 मैंगो है, 6 ऑरेंज है, 10 पाइनएपल्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पर्सन में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इसको समझना बहुत जरूरी। केवल इसको इक्वेशन में नहीं, कई और जगह भी यूज कर सकते हैं। और ये सिंगल फॉर्मूले से होने के बाद भी कंफ्यूजन होता है, फॉर्मूला पता होने के बाद भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम इसके ओरिजिन पे नहीं जाते। तो मैं आपको इसके ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ ओरिजिन भी बताऊंगा कि क्या इसका ओरिजिन है। तो सबसे पहले बात समझें कि नॉन निगेटिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग 0। यानी यहां पर ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपके पास एक्स 3 बॉक्स है, 1, 2, 3 ABC और 6 आइडेंटिटिकल बॉल है, ऐसा सोच लीजिए, और इन बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी तरीके से। एक बॉक्स में 0 भी हो सकती है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी, यानी 0 वाला केस इंक्लूड है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोचा जाता है। अब यहां पर नॉन निगेटिव का मतलब ऐसा ही होता है, जेड का मतलब भी यही होगा। और एक केस लिया, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन अगर यहां पर लिखा आ जाए, तो यहां पर x की वैल्यू 1 से लेके, मतलब x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 तक, 5, 6 तक जा सकती है। सिमिलरली y की भी यही वैल्यू होगी, सिमिलरली z की भी, और यहां पर इंक्लूडिंग 0। तो ये दोनों केसेस को समझेंगे। समझने के बाद मैंने जैसे पीएनसी स्टार्टिंग से आपको ये समझाते हुए बताया कि करते क्या है। पीएनसी में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि हम कर क्या रहे हैं। ये एक बार समझ में जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इन दो केसेस को समझते हैं, पर मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा, समझने के बाद एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करना है, टाइम सेव करते हुए चलना है, क्योंकि आप थ्योरम्स वगैरह लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा। अभी जरूर कंसेप्ट बनाना है आपको, एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो डायरेक्ट कर पाएंगे। तो एक चीज याद रखिए कि अगर नॉन निगेटिव सॉल्यूशन बोले तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करिए। और इस फॉर्मूले का बेसिक कंसेप्ट यह है कि सपोज आपको एक इक्वेशन दी x1, x2, x3 up to xr, दिस इक्वल टू n। यहां पर r वेरिएबल्स है, x1, x2, x3 वेरिएबल्स हैं और सम ऑफ वेरिएबल है n। तो फॉर्मूला होगा n plus r minus 1 cr minus 1। और आपको एक फॉर्मूला पता है, ncr = ncn minus r, तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n plus r minus 1 c। इसको सेपरेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस का r प्लस का 1, तो n बचेगा। और ये पहला केस है जब 0 इंक्लूड होता है, यानी 0 से लेके आपको n तक ले सकते हैं। और सेकंड केस में बता दूं आपको, ये फर्स्ट केस हुआ, सेकंड केस जिसमें पॉजिटिव लेना है, यानी जिसमें x1, यहां पे याद रखिएगा x1, x2 up to xr की जो वैल्यू है वो 0 से लेके n तक हो सकती है। एंड केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो केस नंबर 2 मैंने बताया x1 plus x2, अब मैं इसको पहले एग्जांपल से समझाऊंगा भी, xr = n, और यहां पर x1, x2 up to xr जो है कॉमा लगा लें, ये सब बिलोंग कर रहे हैं 1 से लेके n तक, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो आप यूज करिए फॉर्मूला n minus 1 cr minus 1 का, राइट। अब इसको पहले एक एग्जांपल से समझें, क्या कर रहे हैं वो समझें,
फिर मल्टीनोमियल थ्योरम कैसे लगेगी वो समझें और फिर करें डायरेक्ट, करना इन फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई है, बट पहले एक बार कंसेप्ट बिल्ड करना जरूरी होता है। अब एक बहुत छोटे क्वेश्चन से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा और आप बहुत स्पीड में क्वेश्चंस कर पाएंगे। और वो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपको ऐसा बोला जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फाइव, फाइंड नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव भी देखेंगे तो हम क्या करेंगे। तो पहला टाइप को अगर हम देखें तो अगर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा होता तो n है 5, सम ऑफ नंबर है 5, r वेरिएबल को बताता है वो है 3, तो अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा होता तो लिखता 5 प्लस 3 माइनस 1, सी 5 भी लिख सकता था और 3 माइनस 1 भी लिख सकता था, देन 8 माइनस 1 7 सी 2। एक सिवा आप ऐसा लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए यहां पर 5 लिखते तो भी आपको मिलता 7 सी 5 एंड 7 सी 5 इक्वल टू 7 सी 2। सॉल्व करें तो 7 इंटू 6 अपॉन 2 3 यह आ गया 21। इस 21 का मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा और फिर इसको मल्टीनोमियल थ्योरम से समझाऊंगा, फिर आप समझ पाएंगे कि इस फॉर्मूले का क्या यूटिलाइजेशन है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के समय इसका हमने प्रूफ किया हुआ है। तो अब हम समझें, तो देखिए पहले तो समझें कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है अगर जीरो वाले केस में। ये 21 को समझाना है मुझे, ये एक बार समझ में आ गया तो प्रॉब्लम खत्म। हो सकता है एक्स जीरो वाई जीरो और जेड फाइव हो। अब परम्यूटेशन की हेल्प भी लेंगे, अगर समझिएगा कि 005 है तो ऑब्वियसली 050 भी होगा, 500 भी होगा, यानी 3 केसेस। तो हम इसको अरेंज भी करते चलें, फैक्टोरियल 3/2 दिस इज 3, राइट, इसमें एक यहां पे भी आ गया यहां पे भी आ गया। हो सकता है 014 हो, राइट, ये तीनों ही नंबर अलग है, इसका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 यानी 6 वेज से होगा। आपको भी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ये हो सकता है x की वैल्यू 0, y की 1, z की 4 या 104, ऐसे ऐसे 6 अरेंजमेंट होगा। हो सकता है 1, 2 और 1, 1, 3 भी हो सकता है। पहले 1 के कॉम्बिनेशन देखें, इसमें दो रिपीट हो रहे हैं तो आप लिखते फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 दिस इज 3। और क्या हो सकता था समझिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आता है, आगे पर्सन को कुछ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये कंसेप्ट ही इतना काम का है ये वाला कि इसको एक बार बना लिया तो आप कई जगह पे यूज कर पाएंगे। आप देखो, अब बात करते हैं वन के साथ और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, वन के साथ 4 हो गया, वन के साथ 2 भी हो सकता था, 2 + 2 = 4 + 1 = 5, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 ये भी 3 हो गया। और क्या हो सकता था, एक ये भी हो सकता था, 1 2 2 हो गया था, एक हो गया 3 2 2 3 0, एक ये भी हो सकता है, देखिए 2 3 0 का लिया तो नहीं, अगर इसको अरेंज करूं तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 यानी 6, इसको ऐड करिए 9 12 15 + 1 = 21, ये आ गया 21, ये पॉसिबिलिटी। अब इसके अलावा आप कोई और सोचोगे भी, ये अरेंज है सब, इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और आ भी रहा है तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि इसी का पार्ट होगा, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती दिख रही है, राइट, ये बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब इसको और समझे कि मल्टीनोमियल थ्योरम के थ्रू कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, उससे भी कंसेप्ट बनाना चाहिए, क्योंकि जितना स्ट्रांग कंसेप्ट होगा आप क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे। अभी पहले केस की ही बात कर रहे हैं, एन माइनस वन सी आर माइनस वन वाले केस की, जिसमें कि हम ये मानते हुए चल रहे हैं, सॉरी इसकी नॉन निगेटिव की, कि ये मानते हुए चल रहे हैं कि जीरो भी इंक्लूड है, मतलब बोला है क्वेश्चन में। अब इसको अगर हम कंसेप्ट से समझे थ्योरम से तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 0 1 से लेके 6 तक हो सकती है, y की सॉरी 5 तक, y की भी 5 तक, z की भी, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू x पावर 5। सिमिलरली y के लिए भी यही लिखते हैं, है एक ही चीज याद रखिएगा, x की पावर 0 मतलब y की पावर 0 होते, यानी ऐसा लिखते हैं 1 + y + y² ऐसा y पावर 5, ऐसे 1 + z + z² अप टू z पावर 5, राइट। लॉजिक क्या है, अब ये ध्यान दीजिए कि तीनों वेरिएबल तो एक ही है, चाहे x को देखें चाहे y को चाहे z को, तो हम ऐसा भी इसका समेशन भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका आपसे बोलूं कि समेशन करिए तो आप क्या करते, आप लिखते 1 - x पावर 6 / 1 - x, और ये सब भी सेम है तो क्यूब लिख दीजिए,
अब समझिए कि ये हो गया 1 माइनस एक्स पावर 6 की पावर 3, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस ऑफ 3, राइट। अब आपको एक्स पावर 5 का कोफिशियंट बताना है, क्योंकि सम 5 बताना है। कैसे बताएंगे, इससे तो मिलेगा नहीं, आप इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो पहले ही x की पावर 6 हो गई, तो केवल इसमें एक ही टर्म काम आएगा, वो 1, तो 1 इंटू दिस, तो ट्रिक ये होगी कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। अब आप थोड़े से फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा कि 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स पावर आर, ऐसे 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अप टू आर प्लस 1 एक्स पावर आर, ऐसे ही 1 माइनस एक्स पावर माइनस 3 इज 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब अप टू, अगर इसका r टर्म लिखेंगे तो मिलेगा r प्लस 1 r इंटू आर प्लस 1 बाय 2 इंटू एक्स पावर r। क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहां पर कभी भी कहीं कंफ्यूजन हो 1 रखूं तो 1 रखने पे 3 मिलना चाहिए, देखिए 1 रखिए तो 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब हम ये ऐसा होता है r प्लस 1 r प्लस 2 अपॉन 2, अब देखिए रखे 1 रखा तो 2 से 2 कैंसिल 3 हो गया, 3 रखिए तो सॉरी 2 रखिए x स्क्वायर, तो 2 रखा तो कितना 3, 2 रखा तो 4 अपॉन 2 ये हो गया 6, 3 रखिए, मैं इसका जनरल टर्म निकालना भी समझाता हूं, 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 4 5 अपॉन 2 ये देखिए 10 आ गया, यानी हमने बिल्कुल सही निकाला। अदरवाइज कभी कंफ्यूजन हो किसी का भी फॉर्मूला निकालने में तो आपको देखिए एक्चुअल में मैथ्स पे कॉम्पिटेटिव लेवल पे जब ही कमांड आता है जब हर टॉपिक पे आपका एकदम क्लियर कंसेप्ट हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, क्रिस्टल क्लियर आप कंसेप्ट समझ सके, क्योंकि ये पोर्शन बाइनोमियल का भी पार्ट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी, यानी कई सारी चीजों को मिला के अगर मैं आपसे बोलूं कि एनी इंडेक्स का जनरल टर्म क्या होता है तो आप यही बोलते हैं एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू अपॉन फैक्टर आर इंटू एक्स पावर आर। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखना चाहता तो आप ऐसा लिखते माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 अप टू माइनस 3 माइनस आर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एक्स पावर आर। फिर इसका आप क्या करते हैं यहां पर x की पावर r की जगह माइनस x की पावर r लिखते हैं क्योंकि माइनस है, इससे माइनस r टाइम कॉमन लिया इससे लिया ओवरऑल हो गया प्लस, तो इसका मतलब आपको 3 4 5 6 अप टू ये माइनस 2 बचा होगा तो r प्लस 2 बचा अपॉन फैक्टोरियल r। अब देखिए सिंपल, इसमें 1 2 का मल्टीप्लाई 1 2 का डिवाइड, r प्लस 2 के पहले r प्लस 1 होगा r भी होगा, ये पूरा इससे कैंसिल, क्या बच गया r प्लस 1 r प्लस 2 अपॉन 2। ये छोटी छोटी चीजें अगर हर टॉपिक पे हर चीज पे कमांड होगा तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका जनरल टर्म से केवल x पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो अगर मैं बोलूं x पावर 5 का निकालें तो आप लिखते r प्लस 1 r प्लस 2 अपॉन 2, तो यानी 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2 बाय 2, देखिए क्या होता 6 बाय 2 3 इंटू 7 दिस इज 21, ये आंसर आ गया। यहां पर कहने को x y z थे पर एक्चुअल में वो सेम थे क्योंकि अभी यहां पर सेम रखा है, अगर यही यहां पर 2 z होता तो कंसेप्ट कुछ और होता, हम यहां पर फिर 2 टाइम्स लिख रहे होते, वो अलग अलग कंसेप्ट है जो मैं आपको बताता चलूंगा, क्योंकि ये वन टाइम में समझ में नहीं, एक एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन को समझना चालू करिए जिससे आप इजीली हैंडल कर पाए क्वेश्चंस को, आपको अपने आप समझ में आएगा कि कब किस समय क्या कर रहे हैं। तो ये समझ में आई बात आपको कि एक्स वाई जेड क्योंकि तीनों की वैल्यू 0 से 6 ले सकते थे इसलिए वन टाइम यूज किया, अलग अलग होती तो हम फिर इनके कोफिशियंट निकालते मिला के, वो भी तरीका होता जो अपन डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते तो ये आपने एक चीज देखी, अब यही क्वेश्चन सपोज एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां पर इसके लिए होता, किसके लिए लाइक अगर ये इसके लिए होता n माइनस 1 सी आर माइनस 1 के, मतलब इस फॉर्मूले को यूज पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए होता तो हम ये फॉर्मूला यूज करते, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, अगर 5 दिया और बोला है कि पॉजिटिव सॉल्यूशन यानी x y z की वैल्यू 1 से लेके 5 तक हो सकती है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते, तो हम लिखते 5 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। कंसेप्ट अभी भी वही है, याद रखिएगा n का मतलब है सम ऑफ टर्म और n का मतलब है सम ऑफ वेरिएबल और r का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब इसको सॉल्व करते तो आप लिखते 4c2 एंड 4c2 इज 6। अब मैं आपसे बोलता इसका अरेंजमेंट करके बताओ तो आप क्या करते बताइए जरा,
अब देखिए आंसर छोटा हो गया। अब आपको जीरो इंक्लूड नहीं करना है तो सिक्स क्या क्या होंगे, वन वन टू हो, सॉरी वन वन थ्री हो सकता है। इसको अरेंज करते हैं तो फैक्टोरियल थ्री बाय फैक्टोरियल टू यानी थ्री वेज होते हैं, यानी वन वन थ्री, वन थ्री वन, थ्री वन वन। और क्या हो सकता था, एक ये भी हो सकता था वन टू टू, दिस इज ऑल्सो फैक्टोरियल थ्री बाय फैक्टोरियल टू यानी थ्री, यानी वन टू वन टू, टू टू वन। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हुए सिक्स, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, राइट। इसके अलावा वन वन के साथ टू टू भी हो सकता, अब एक भी थ्री ले लोगे तो थ्री, अगर आपने थ्री लिया तो थ्री के साथ टू लेते तो एक जीरो आता, तो ये टोटल सिक्स केस बने। यानी पहले इमेजिनेशन क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो टू केसेस हुए, एक जब ऑब्जेक्ट में नॉन निगेटिव लें, नॉन निगेटिव में जीरो इंक्लूड होता है, या तो आपको बोलेंगे नॉन निगेटिव या इंक्लूडिंग जीरो, उस केस में आप फॉर्मूला यूज करिएगा एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन नंबर ऑफ सम ऑफ वेरिएबल है, आर इज नंबर ऑफ वेरिएबल है, आर इज नंबर ऑफ वेरिएबल है। और अगर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोले तो फॉर्मूला यूज करिए एन माइनस वन सी आर माइनस वन, मल्टीनोमियल थ्योरम के थ्रू निकला हुआ। अभी एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको समझ में आएगा, इतना आप नोट करो पहले। तो अब मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, अब क्योंकि छोटा क्वेश्चन था हमने इमीडिएटली 21 या 6 केसेस को बना के देख लिया, आपको समझ में आ गया कि इन वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास केवल दो फॉर्मूले हैं, फिर बोलूंगा याद रखिएगा आपको तो डायरेक्ट यूज करना है, जब जीरो इंक्लूड हो तो एन माइनस आर प्लस वन आर माइनस वन, और जब इंक्लूड ना हो तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब सपोज मैं आपसे बोलूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टेन, एक्स प्लस वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू टेन। तो अगर जीरो इंक्लूड करें, पहला केस लें नॉन निगेटिव, तो आप लिखते हैं एन, एन इज टेन माइनस आर, आर इज वेरिएबल प्लस वन, सॉरी एन प्लस आर, कहीं पे मैं गलत लिख दूं तो ध्यान रखना, एन माइनस आर, सॉरी एन प्लस आर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा टेन प्लस थ्री माइनस वन सी आर माइनस वन, यानी आप लिखते थर्टीन माइनस वन ट्वेल्व सी टू, 12 इंटू इलेवन अपॉन टू यानी 66, राइट। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूले से कर रहे होते तो आप ऐसा लिखते, तीनों एक ही है, 1 प्लस एक्स पावर 0, सॉरी 1 एक्स पावर 2 अप टू एक्स पावर 10, और ऐसा ये एक्स वाई जेड क्योंकि सबकी वैल्यू सेम हो सकती तो क्यूब लिख सकते थे, जिसको आप लिखते 1 माइनस एक्स पावर 11 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब लॉजिक से समझिए कि आपको जो कोफिशियंट बताना है, बताना दोनों को मिला के, बताना दोनों को मिला के, पर क्योंकि आपको x पावर 10 बताना है, ये 1 माइनस x पावर 11 है, अगर मैं इसका एक्सपांशन करता भी तो यही लिखता 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x पावर 11, तो केवल 1 काम का होता, इसलिए इस वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं और केवल इस वाले पार्ट की बात करते हैं। इसका अभी मैंने बताया था r टर्म क्या होता है, r प्लस 1 r प्लस 2 बाय 2। अब मैं अगर 10 चाहता हूं तो मैं लिखता 10 प्लस 1 10 प्लस 2 बाय 2, देखिए बिल्कुल वही बना सेम, 11 इंटू 12 बाय 2, दिस इज 66, राइट। मैं सेकेंड पार्ट को भी बताता हूं, मैं वहां पे भूल गया बताना आपको कि अगर मैं सेकेंड पार्ट को भी मल्टीनोमियल थ्योरम से कर रहा होता तो क्या करता। अब इस क्वेश्चन का पहले कर लूं फिर इस क्वेश्चन को भी बता दूंगा सेकेंड पार्ट से मल्टीनोमियल थ्योरम के थ्रू। अगर यहां पर देखूं कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला होता तो मैं लिखता एन 10 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 यानी 9 सी 2, राइट। 9 सी 2 होता 9 इंटू 8 बाय 2, ये कैंसिल 4 टाइम, 9 4 जा 36। अब इसे अगर मल्टीनोमियल से कर रहा होता तो x पावर 1 से स्टार्ट करता, 2 3 अप टू 10, क्योंकि 0 वाला केस इंक्लूड नहीं है और x y z तीनों की वैल्यू सेम हो सकती है तो क्यूब लिख दिया। अगर अलग अलग होती तो ऐसा नहीं कर सकते थे, वो भी क्वेश्चन अभी आपके साथ लेने वाला हूं, ये हुआ। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें टर्म क्योंकि जीरो से काउंटिंग हो रही थी, एक बढ़ गया था उसमें नहीं बढ़ा, तो अब आप लिखते a इंटू 1 माइनस x की पावर 10 अपॉन 1 माइनस x इस पूरे का क्यूब, इस पूरे का क्यूब, क्योंकि 3 टाइम आया। ध्यान रखिएगा इस जीपी के n टर्म का फॉर्मूला ये होता है a इंटू 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। इसका मतलब ये हुआ
कि अब आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे। कैसा लिख सकते थे देखिए, अब आप इसे चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे कि x क्यूब 1 माइनस x पावर 10 का क्यूब इंटू 1 माइनस x की पावर माइनस 3। अब देखिए इससे केवल आपको x पावर 10 का कोफिशियंट बताना है, कोफिशियंट ऑफ x पावर 10, राइट। अब क्योंकि ओवरऑल सम सेम बोला है तो अब आप क्या करते हैं कि लॉजिकली समझना, ये x क्यूब है, जब इसको ओपन करते तो माइनस 1 माइनस 3 x पावर 10, फिर 3 इंटू एक्स पावर 20, क्योंकि यहां पर लगता 1 माइनस एक्स के क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो लिखते भी तो कोई दिक्कत नहीं है और ये मिलता 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। अब इस एक्स क्यूब का भी जब मल्टीप्लाई होता है 20 आ जाता, तो यहां पर पावर 13 हो जाती, 23 तो काम का नहीं, तो केवल काम का हुआ 1, देन अगेन वही काम का हुआ, यानी एक्स पावर 3 1 माइनस एक्स की पावर माइनस ऑफ 3। बहुत ध्यान से समझिए, अब क्यूब पहले से आ चुका तो इससे आपको 7 निकालना है। अभी इसका जनरल टर्म लिखा था r+1 r+2 upon 2, तो अगर आपको 7 निकालना है तो आप क्या बोलते हैं, 7+1, क्योंकि क्यूब पहले से, इंटू 7+2/2, तो 8×9/2। लॉजिकली देखिए वही सेम रिजल्ट था, 8×9/2 एंड दिस इज इक्वल टू 36। ये इसका पर्पस पूरा प्रॉपर यूज हुआ, यानी आपको एक चीज समझ में आई कि हम कर क्या रहे हैं, हमने दोनों तरफ से समझ लिया, तो आपको यूज फॉर्मूला करना है डायरेक्टली, बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए जिससे कभी मिस्टेक आपकी ना हो। अब इसमें बहुत ही बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको करना हो x+y+z = 12, तो नॉन जीरो बोला हो, नॉन नेगेटिव बोला हो, तो सिंपल 12 प्लस r, मतलब 3, में कई बार माइनस बोल देता हूं, -1c 3 -1 14c 2, 14×13/2 7 times, यानी 91। और पॉजिटिव बोला हो तो सिंपल n-1 cr-1, यानी 11c 2, 11×10/2 कैंसिल, तो 55। यानी इस तरह से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, राइट। नोट करिए, मान लीजिए 4 वेरिएबल होते, जैसे अगर आपको कभी ऐसा बोल दिया जाए कि t1+t2+t3+t4 = 10, फाइंड नंबर ऑफ नॉन निगेटिव सॉल्यूशन, नॉन निगेटिव मतलब जीरो इंक्लूड हो सकता है, तो अब आप यहां पे बोलते n हो गया 10, n+r-1 cr-1, यानी आप बोलते 13c 3, 13×12×11/3, 2, 1। यही अगर आपसे पॉजिटिव सॉल्यूशन पूछा होता, पॉजिटिव सॉल्यूशन पूछा होता, इसको भी मल्टीप्लाई थे, तो आप बोलते n-1 cr-1 4-1 9c 3, यानी 9 8 7 upon 3 2 1, राइट। यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए समझते हैं और कंसेप्ट भी बनाते हैं, आपको भी समझ में आएगा कि क्या करना है। मान लीजिए आपको मैं एक क्वेश्चन दूं, इस तरह के क्वेश्चंस को भी मल्टीनोमियल थ्योरम से हम समझ सकते हैं, और इनफैक्ट हम लगाएंगे मल्टीनोमियल थ्योरम तो प्रॉब्लम भी नहीं जाएगा। मान लीजिए मैं क्वेश्चन दूं x1+x2+x3+x4 = 20, फाइंड नंबर ऑफ नॉन निगेटिव सॉल्यूशन, मतलब आपको यहां पर x1 का वैल्यू जो है वो 0, 1, 2 से लेकर 20 हो सकता है, x2 भी यही हो सकता है, x3 भी यही हो सकता है, बट x4 क्या क्या होगा, मतलब ये पूरा मिला के 4 times ले लेते हैं इसको, चलिए थोड़ा चेंज करते हैं, 4 times of x4, तो क्या क्या होगा, हो सकता है 0 हो, अगर आप एक्चुअल में 1 रखेंगे तो सीधा सीधा 4 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 12 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 20, यानी इस पूरे के रिजल्ट को देखा जाता है कि ये रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, यानी इस बॉक्स में जो भी चीज है वो 4 times है, तो 4 times है तो ये पॉसिबिलिटी हुई। अब इसको अगर मल्टीनोमियल थ्योरम के थ्रू समझे हम, तो हम यहां पर ये बोल रहे होते 1 माइनस, देखिए डायरेक्ट लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1 - x की पावर, इन तीनों के लिए -3 और इसके लिए 1 - x की पावर 4 की पावर -3,
ये बेसिक इसका कंसेप्ट होता है। समझिएगा क्या होता है कि जब आप इसको लिख रहे होते हैं तो आप ऐसा लिख रहे होते हैं, x1 के लिए, x0 मतलब x1 के लिए लिख रहे हैं, 1 प्लस x1 प्लस x1 का स्क्वायर अप टू x1 की पावर 20। सिमिलरली 1 प्लस x2 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x2 की पावर क्यू, कहीं लिखने में गड़बड़ हो जाता आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि समझा सिंबॉलिकली है वो 20। ऐसे ही अब ये तीनों क्योंकि सेम है तो आप डायरेक्टली क्यूब भी लिख सकते थे और x ही मान लेते, 1 प्लस x3 प्लस x3 का स्क्वायर ऐसा लिखते अप टू x3 की पावर 20। बट यहां पर लिखते तो 1 प्लस x4 प्लस मतलब x4 प्लस x8 ऐसा x पावर 4 की पावर 12 ऐसा यहां पर जाता, राइट right? इसलिए इन तीनों को एक साथ लिख सकते थे। अब इसका जब समेशन करते तो आप यही लिखते ना 1 माइनस x पावर 21 अपॉन 1 माइनस x4, ऐसा तीन बार होता। यहां पर क्या होता, क्योंकि यहां पर 4 के मल्टीपल में बढ़ रहा है, ये हो गया x की पावर 20। टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 ही होंगे, बट आपको r मिल गया x पावर 4, तो 4 की पावर 6 ऐसा लिखते अपॉन 1 माइनस x की पावर 4 ये, और यहां पर पावर माइनस 3 नहीं माइनस 1 लिखना था मुझे, पावर माइनस 1 लिखना था। अब समझिएगा यहां पर क्या होगा कि इनमें से ये सब पावर्स बड़ी होंगी तो 1 ही काम का है, तो हमारे लिए केवल इतना सा काम का है। अब आपको इनमें से कलेक्शंस निकालना होगा जिससे कि ये टोटल 20 निकले, जिससे कि ये टोटल 20 निकले। तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि ये चीज जो हमारे पास आई है इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, गलती से माइनस 3 लिख दिया था, तो इसमें इनका दोनों का एक्सपांशन करना और कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 20, यहां पर कलेक्शन ऑफ टर्म होंगे। अगर ये 4 टाइम नहीं आता तो हम डायरेक्टली लिख लेते। अब यहां पर आपको पता ही, आप लिखते 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यू। अब समझिए यहां पर क्या क्या काम के हैं वो मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं यहां के लिख लूं क्योंकि यहां से डिपेंड करेगा। अब यहां का जब लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 1 x पावर 4 x पावर 8 x पावर 12 x पावर 16 x पावर 20। इसी क्वेश्चन को एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं आप। अब इसमें क्या क्या लगेगा, जैसे 16 है तो x पावर आपको 4 लगेगा, अगर 12 है तो x पावर 8 लगेगा, 8 है तो 12 लगेगा, 4 है तो 16 लगेगा और 1 है तो 20 लगेगा। तो इसका एक्सपांशन इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था जिससे आप कर पाते। तो आप देखिए क्या होगा कि मैं लिखूं तो 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर के बाद अब डायरेक्टली काम के टर्म लिखता हूं। सबसे पहले पावर 4 वाला लूं तो याद रखिए r प्लस 1 r प्लस 2 अपॉन 2 ये होता है x पावर r का। तो अगर मुझे 10 क्यूब के बाद अगला लिखना है तो अभी तो पता है पर समझा रहा हूं मैं आपको, 4 रखते तो 4 प्लस 1 5 और ये कैंसिल 15 आ गया। अब आपको इसके बाद चाहिए 4, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता 8, 8 के लिए 8 प्लस 1 9 और यहां पर हो जाता 8 प्लस 2 10 बाय 2, ये 5 टाइम कैंसिल तो 45 टाइम्स ऑफ x पावर 8 प्लस। अब 12 चाहिए तो 12 प्लस 1 13 इंटू 14 अपॉन 2 7 टाइम 91, बीच में अगर डैश ना लगाऊं तो कंफ्यूज मत होना, 91 x पावर 12 प्लस 16 चाहिए, 16 प्लस 1 17 18 बाय 2 सॉरी 9 टाइम तो 153। तो आप लिखते 153 x की पावर 16 एंड एक 20 वाला भी लगता क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होता, तो 20 वाले से जब आप करते हैं तो 21 इंटू 22 बाय 2 यानी 11 टाइम तो 210 एंड 231 तो 231 x पावर 20 एंड सो ऑन। एंड नाउ कलेक्शन ऑफ टर्म, किसी भी एक एंड से स्टार्ट करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। इसका x पावर 4 अब पीछे से इससे कर लीजिए, इस 1 का किससे होगा, ये हो गया तो 231 प्लस 16 का किससे होगा, 4 से, राइट 16 का 4 से होगा तो मिलेगा 153 प्लस, इसको NC0 वाले टर्म में भी लिख सकते थे हम क्योंकि यहां पर हम चाहते तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम इस एक और मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताऊं, 153 फिर 12 का 8 इसका ये हो गया, आप इधर से चलना है 1 का इसके साथ हुआ 231 फिर 4 का हुआ तो ये हो गया फिर 91 45 15
15 और 15 इसके साथ हो गया और प्लस 1, ये फाइनली हमने इसको ऐड कर लिया। अब आपका काम है कि इसको आप सही से ऐड कर लें जिससे कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया कितना, इसको ऐड करते चले 231 153 91, ये हो गया कितना 60 प्लस 1 61, ऐड करिए 1 1 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 और 6 प्लस 9 15 15 प्लस 5 20 20 प्लस 5 28, एक मिनट देख लीजिए, ये हो गया 6 प्लस 9 15 20 23 2, ये हो गया 3 3 प्लस 2 5 5 36 इज अ राइट आंसर, यानी हमारा जो आंसर आया वो आया 536। अब एक बात आती है कि क्या इसको ऐसे ही कर सकते थे, और कोई तरीका नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर केसेस क्या क्या बन सकते थे। यहां पर ऐसा समझ लीजिए कि x1 प्लस x2 प्लस x3 एक जैसा है और x4 एक जैसा है। अगर मैं इसको लॉजिकल तरीके से सोचूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है, मुझे एक चीज समझ में आती है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x4 इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो मैं इसको ऐसे सोचूंगा कि अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 ठीक 20 हुआ तो x4 इस समय 0 होगा। अब ये 20 हुआ तो यहां पर 3 वेरिएबल वाले कंसेप्ट लगाते चले हम, तो 3 वेरिएबल वाला कंसेप्ट मतलब n माइनस r प्लस 1 सी r माइनस 1, 21 माइनस 3 यानी ये हो गया सॉरी n प्लस r, कई बार ये हो जाता n प्लस r माइनस 1, 23 माइनस 1 यानी 22 सी 2 यानी 22 इंटू 21 बाय 2, ये कैंसिल 11 टाइम तो 231, देखिए ये 231 लिखा है, यहां पर रिजल्ट लिखते चलेंगे 231, या ऐसा भी बोल सकते हैं 22 सी 2, अभी देखते हैं चेन बनती है। फिर एक संभावना थी कि x4 अगर 1 होता तो क्या होता, अब x4 1 है तो याद रखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो 16 होगा। क्यों 16 होगा, क्योंकि 4 ये हो गया, अब 16 होगा, इसका मतलब ये 231 लिखा था, इसका मतलब है हम लिखते 16 प्लस 3 19 माइनस 1 यानी 18 सी 2, 18 इंटू 17 अपॉन 2, 9 टाइम 153, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर का बनता जा रहा है, यानी आप यहां पर लिख सकते थे 153, यहां लिख सकते थे 18 सी 2। अब लॉजिक निकल के आ गया कि 22 के बाद 4 कम हुआ है, आप देखिएगा अगले में 14 सी 2 होगा, ये एक तरीका, यानी अब मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं कि हम कर क्या रहे हैं। ये चीज अगर क्लियर हो गई तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं हो सकती। अब समझिएगा कि अगर यहां पर अगला पोर्शन आए तो हम लिखते हैं x1 प्लस x2, एक बार और कंसेप्ट के लिए समझ लें x3, तो ये होता 12, तो इस समय x2 होता 2, 12 होता तो आप लिखते 12 प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 50 माइनस 1 एंड देन 14 सी 2, देखिए मैंने आपको जो अभी बताया था, फिर आप लिखते 10 सी 2, फिर आप लिखते 6 सी 2 एंड लास्ट वन इज लिखते 2 सी 2, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब जो मैंने आपके साथ अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी वर्ड प्रॉब्लम्स भी करना है, अभी ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी समझने हैं और अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, तो अब यहां पर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हम चाहे कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तो हमें कोई कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकती। क्या कर रहे हैं, ये इमेजेस आना बहुत जरूरी है, हम कर ये रहे थे कि इसके सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं, अब सेम नहीं है तो क्या है? अब इसमें ये 536 है, मान लीजिए कभी आपको लगता है कि ये आंसर्स को मैं कैसे वेरीफाई करूं और क्या कर सकता हूं, तो ये तो एक तरीका आपको समझ में आ गया, पहले मल्टीनोमियल थ्योरम से करा, फिर आपने इससे करा फॉर्मूले से भी आपको एक सेकंड में समझ में आ गया कि किस ढंग से हम 444 को कम करते चल रहे हैं। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यहां पर जब x3 3 लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो हमें 8 चाहिए होगा, x4 हम लेंगे 4 तो 16 हो गया, तो हमें केवल 4 चाहिए होगा, और मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, तो इस समय ये पूरा 0 हो जाएगा, इसीलिए लास्ट आंसर जो है वो 1 है। 62 होता है, 6 इंटू 5 15, देखिए लास्ट इसके पहले 15 होगा,
ये देखिए स्ट्रेंथ सी 2 होता है 45, ये 45, ये पूरा कंसेप्ट है। अब इस चीज को समझने के लिए कभी भी दिक्कत हो तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको ये समझना चाहिए, जैसे मैं बोलूं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 2x4 इक्वल टू, मान लीजिए मैं ले लेता हूं 6। अब आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, एक एक आंसर निकाल सकते हैं कि x4 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है x4 की, और x4 की वैल्यू 3 तक हो सकती है, 3 2 6। और 0 के केस में क्या होगा वो भी समझिएगा, जब आप बोलते हैं कि 0 होगा। अब ये छोटा इसलिए लिया कि इस छोटे क्वेश्चन का एडवांटेज ये होगा कि आप बड़े क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। मान लीजिए 0 हुआ तो आप बोलते x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। अब आप बोलते 6 प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 8c2, तो आप लिखते 8c2, थोड़ा बड़ा होगा इसमें क्वेश्चन, 8c2। अब इसी के बाद जब 1 लेते तो लिखते x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1 लिया तो यहां पर ये मिलेगा मिलके 4। अब क्या हो जाता तो आप ऑब्वियसली लिखते 6 प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 8, एक मिनट ये 6 नहीं 4, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6 सी 2, 2 2 से कम होता। अभी हम हमने ये भी समझ लिया कि जो कोफिशियंट है उससे कम होगा, यानी नेक्स्ट होगा 6c2, नेक्स्ट होगा 4c2, नेक्स्ट होगा 2c2, खत्म। यानी आपके पास अपने आप ट्रिक्स आना चालू होगी, इसलिए अभी इसकी और प्रैक्टिस करनी है, खत्म नहीं करना। तो ये एक तरीका हुआ, तो 8c2 होगा 8 × 7/2 4 टाइम 28, 6 × 5 15, 4c2 6 एंड 1, दिस इज द फाइनल आंसर। यानी ये एक तरीका, ये बड़ा आंसर है, नहीं तो हम इसके केसेस भी बना के देखते कि जब ये 0 है तो ये क्या होगा, जब ये 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, और 3 है तो क्या होगा। इस तरह से आप खुद भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है वो तो सबसे इजीएस्ट तरीके से आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। शर्त है कि आपका कंसेप्ट या आपके लॉजिक बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। नोट कर लीजिए।